हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? तो दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जा रहा होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तो आप लोग का एग्जाम और भी ज्यादा अच्छे से जा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोग में से शायद ही किसी ने इस बात को नोटिस किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की जो दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने इस बात का नोटिस किया होगा कि जो दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सेम टू सेम जून टर्म एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ही आ जा रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम कम से कम 40-50% क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा बहुत सारा पेपर का एग्जाम्पल है मेरे पास जिसमें मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ कि जून में जो क्वेश्चंस आए हैं वही सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, सब कुछ सेम वही दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन में आ गए हैं। ये बात मैं इसलिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियस टर्म एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसको तो वो छूते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि जो प्रीवियस टर्म एग्जामिनेशन में जो आ गया है वो तो दिसंबर में आएगा ही नहीं। ठीक है, सॉरी। तो इसलिए इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट देखिए ताकि आप लोग को भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप लोग को इस वीडियो में आगे पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस बात का नॉलेज हो पाए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आप लोग को क्वेश्चन ही पहले दिखा दे रहा हूँ प्रूफ के साथ कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें से जो जून 2017 और दिसंबर 2017 में 40% कॉमन आ गए। ठीक है, आप समझ रहे हैं, 40% अगर कॉमन आ जा रहा है यानी कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पहले से ही पहले किया हुआ मिल जा रहा है तो आपका तो बहुत अच्छा मार्क्स 80% मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी पेपर के साथ ऐसा हो रहा है लेकिन आप लोग को मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो लोग भी अभी दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जिनका आगे में एग्जाम है वो लोग जून टर्म एग्जामिनेशन का कोई भी पेपर को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आप लोग को दिखा दूं उसके बाद आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देता हूं। यहाँ पे देखिए ये जून 2017 का पेपर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो दिसंबर 2017 का पेपर है जो अभी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जून का कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन पॉपुलेशन इज नोन टू बी ग्रोइंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, xb-ax। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये दिसंबर का पेपर है और ये दिसंबर का पेपर में आप लोग सेम वही क्वेश्चन देख सकते हैं, सर्टेन पॉपुलेशन इज नोन टू बी ग्रोइंग, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, डेटा भी सेम है a/2b और क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं है, कम से कम 24 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो 5 का ए है यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डेटा देख सकते हैं x+3 cos x। ठीक है, देखिए यही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप d3y dx3, ठीक है, 3 cos x, यूज द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ ऐसे सिर्फ यही दो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अभी पूरा क्वेश्चन ही मिल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बात पहले किसी को अगर पता होता तो उसका कितना अच्छा मार्क्स आ सकता था। देखिए यहाँ पे वेरीफाइड द इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, 4 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पे भी ये दिसंबर का पेपर जो है इसमें भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिए वीडियो को, वेरीफाइड दैट द इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, फाइंड इट्स इंटीग्रल। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को जस्ट कुछ कुछ दिखाया। ठीक है, 24-25 मार्क्स का सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने जितना कुछ कुछ पेपर देखा है, मैथ्स का देखा है, केमिस्ट्री का देखा है, जिसमें इतने सारे कॉमन मिल जा रहे हैं। आप लोग भी अपना देखिए, आप लोग भी टैली कीजिए, देखिए कि कितना सारा कॉमन आ रहा है। और मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूंगा कि जो लोग भी दिसंबर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो जून टर्म एग्जाम का और जो रिकंडक्ट एग्जामिनेशन हुआ था, आप लोग को याद होगा जो रिकंडक्ट एग्जामिनेशन जून 2017 में हुआ था उसका पेपर, ठीक है, दोनों पेपर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए नेट से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दिया, आप लोग वहां से डायरेक्ट चेक कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए रिकंडक्ट का जो पेपर है वहां पे साइड में एस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये सेल बायोलॉजी का अगर पेपर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये LAC 1 जो है वो जून टर्म एग्जामिनेशन का है और LAC 1S जो है वो रिकंडक्ट का है। ठीक है, तो दोनों को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और दोनों पेपर को तो एकदम कंपलसरी है कि पूरा आप लोग कर लीजिए क्योंकि उसमें से मैक्सिमम पेपर जो है वो कॉमन आ जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कॉमन आ जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो उसका टाइप, मतलब सेम टू सेम सब कुछ रह रहा है, बस एक डेटा चेंज हो जा रहा है, क्वेश्चन का टाइप वही रह रहा है। ठीक है,
तो इसलिए ये सब चीज को आप लोग देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से शायद ही किसी ने इस चीज को नोटिस किया था। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos x x है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे cos x x है, यहाँ पे cot x कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखिए जीरो जो लिमिट दिया है वो भी सेम है, यहाँ पे भी देखिए जो लिमिट दिया है वो भी सेम है, तो सब कुछ सेम सेम मिल रहा है। तो इस बार मुझे जहां तक लगता है, मेरा अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि मे बी जो इग्नू का इस बार इतना सारा कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है, बहुत सारे केस भी हुए हैं इग्नू के ऊपर इस बार, तो मे बी उन लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा है नया क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए वो लोग पुराना टर्म एग्जामिनेशन का ही दे पा रहे हैं। खैर, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग जो जून टर्म एग्जामिनेशन का जो भी पेपर है और जो रिकंडक्ट का पेपर है उसको किसी भी हाल में मत छोड़िए, उसको पूरा कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा उसी में से आ जाएगा या आप लोग उसी के ऊपर डिपेंड रहे, ठीक है, लेकिन जो जितने सारे आप लोग क्वेश्चंस करें, जितने सारे भी तैयारी करें वो तो कीजिए, लेकिन साथ साथ में जो जून टर्म एग्जामिनेशन में और रिकंडक्ट में आया है उसको मत छोड़िए, उसको निगलेक्ट मत कीजिए, उसको कंप्लीट करके आइए, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे सबूत के तहत देख पा रहे हैं कि सिर्फ 50 मार्क्स के क्वेश्चन में 25 मार्क्स का क्वेश्चन तो सिर्फ वही कॉमन आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कीजिए तो आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रीवियस टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन को निगलेक्ट ही कर देते, उसको छूते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा तो आप लोग का भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आप लोग का भी एग्जाम आगे का अच्छा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन ये यूजफुल लगी होगी, आप लोग को हेल्प करेगा आप लोग का आगे का एग्जाम में। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही था, यही इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहता था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।